पहाड़ों की वो सर्द भरी रातें फिर से याद आई, रातें जो परिवार संग हमने बिताई, मूंगफली की दावत मिलकर हमने उड़ाई, उड़े अपनी अपनी रजाई। वैसे तो मूंगफली में शरीर को फायदा पहुंचाने वाले कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, लेकिन इसका ज्यादा सेवन हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आज हम बात करेंगे सर्दी के मौसम में खाई जाने वाली मूंगफली कब नुकसानदायक हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज, मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा शर्मा। सर्दी के मौसम में मूंगफली खूब खाई जाती है और इसीलिए इसे जाड़ों की मेवा भी कहते हैं। इसमें मौजूद विटामिन ई, विटामिन बी, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिंक और आयरन जैसे तत्व ना सिर्फ शरीर को गर्म रखते हैं बल्कि उसे पोषक तत्व भी देते हैं। वैसे तो मूंगफली सेहत के लिए बहुत फायदेमंद चीज मानी जाती है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसके ज्यादा सेवन से शरीर को बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि अर्थराइटिस के मरीजों को मूंगफली से परहेज करने की सलाह दी जाती है। मूंगफली में मौजूद लेक्टिक के कारण ऐसे मरीजों में सूजन की समस्या बढ़ जाती है। इसमें कब्ज, एसिडिटी और सीने में जलन भी तेजी से हो सकती है। साथ ही मूंगफली में फाइटिक एसिड नाम का एक ऐसा तत्व होता है जो शरीर में जरूरी न्यूट्रिशन को कम कर देता है। फाइटिक एसिड में शरीर को आयरन, जिंक की मात्रा कम करके बैलेंस डाइट या रेगुलर मास खाने वालों को इससे ज्यादा फायदे नहीं होंगे, लेकिन जो लोग सिर्फ अनाज या फलीदार पर निर्भर रहते हैं उन्हें दिक्कतें हो सकती हैं। ज्यादातर महिलाएं अपनी स्किन को लेकर काफी कॉन्शियस होती हैं, तो आपको बता दें मूंगफली ज्यादा खाने से लोगों को स्किन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इससे त्वचा में खुजली और रैशेस की दिक्कतें बढ़ सकती हैं, मुंह पर खुजली और चेहरे पर सूजन आ सकती है। मूंगफली की तासीर गर्म होती है, इसीलिए इसे सिर्फ सर्दियों में खाना ही सुरक्षित है। मूंगफली में ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर होता है जो शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसका ज्यादा इस्तेमाल शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा को कम करता है जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। आप मूंगफली का सेवन कैसे करते हैं? क्या आप लोगों को भी मूंगफली से होने वाली इन समस्याओं को फेस करा है? यदि हाँ तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।